गाइस, 8 से 8 महीना पहले हमारे इंडिया में कुछ चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया था, जिसमें हमारा सबसे प्यारा पबजी भी शामिल था। और गाइस, हम उसके बाद में हमारा पबजी का इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली हम बहुत खुश थे, क्योंकि कुछ महीनों से कुछ लीक्स आ रहे थे पबजी का, कि पबजी मोबाइल का जो ट्रेलर है वो हमें इस महीने को देखने को मिल सकता है। और शायद 18 मई को वो हमारा सपना भी पूरा हो गया था, क्योंकि 18 मई को इंडिया में प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया था बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का। और गाइस, कहते हैं ना, सब कुछ जब ठीक चलता है तब कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। और आज ही एक न्यूज आ चुकी है गाइस कि इंडिया में रिलीज होने से पहले ही पबजी बैन हो सकती है। और गाइस, कल अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए ने हमारा पीएम नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके कहा कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को बैन कर देना चाहिए। और गाइस, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो है उसमें टेंशन का कुछ ना कुछ अभी भी शेयर्स है। और गाइस, अगर पबजी मोबाइल को इंडिया में बैन करना है तो कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, इनको भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि गाइस फ्री फायर में टेंशन का 25.6% का शेयर है और कॉल ऑफ ड्यूटी में उनका 5% शेयर है। और भी बहुत सारे गेम्स है और एप्स भी है, जैसे एपिक गेम्स, ये सब मैं बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले पबजी को इसलिए बैन किया गया था क्योंकि पहले पबजी का पूरा कंट्रोल जो था वो टेंशन पर था, तो हमारा जो इंडिया का डेटा है वो कहीं चाइनीज ना ले जाए, इसलिए इसके वजह से बैन कर दिया गया था। अब या तो क्राफ्टन वाले के साथ इंडिया गवर्नमेंट फिर से मीटिंग करेगी या तो उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन गाइस उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट का एक पर्सन ने उस ट्वीट किया है। तो यही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये वाला जानकारी अच्छा लगा होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।